हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9, और एमटेक सेकेंड ईयर में क्या होता है गाइस, आप लोग को बता दें। इसमें क्या होता है कि आपको जाके अटेंडेंस लगाना होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, दो टाइम अटेंडेंस लगता है। उसके बाद अपने गाइड के अंदर इसमें प्रोजेक्ट पर वर्क करना होता है, बस यही होता है। ज़्यादा क्लास वैस करना कुछ नहीं होता, क्लास नहीं चलती है एमटेक सेकेंड ईयर में, बस प्रोजेक्ट मतलब रिसर्च वर्क करना होता है। और मॉर्निंग में अटेंडेंस वन टाइम लगाना होता है और इवनिंग में। तो गाइस चलते हैं, अटेंडेंस लगा के आते हैं। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 12:45। तो लंच का टाइम हो गया है। अटेंडेंस लगा के आने के बाद मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, ब्लॉग एडिट हो गया है। तो गाइस अब इसको करते हैं अपलोड। तो ये अपलोड पे लगा दिए हैं, कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं लंच करने। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं 5:30। तो अब चलते हैं मैच खेलने हॉस्टल के पीछे, जो इसके कुछ पहले व्लॉग में आप लोग देख लिए होंगे कि मतलब कहाँ मैच खेलने गए थे। तो हॉस्टल के जस्ट पीछे है, तो वहीं चलते हैं मैच खेलने। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ग्राउंड। आप लोग उधर जो देख रहे हैं, उधर लोग खेल रहे हैं, तो ग्राउंड फुल है। तो ये सब लोग इधर खेल रहे हैं, इधर दोस्त, ये शक्ति भाई, पूरन भाई, दास भाई, नवा भाई, राम बाबू भाई। तो गाइस यहीं पे खेलते हैं, सिंगल सिंगल प्लेयर मैच होगा, यहीं पर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैच खेलते हैं। बाकी उधर लोग खेल रहे हैं तो उतना मतलब ग्राउंड फुल है उधर भी, तो इधर ही खेल लेंगे हम लोग। एक ओवर में जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीतेगा। एक एक ओवर का मैच हो रहा है, वो एक ओवर खेल चुका, अब हमारे नवा भाई खेलने जा रहे हैं एक ओवर। हाँ, मेरी बैटिंग आ गई है। तो गाइस देख लो, ये है स्टंप, मेरे को बनाना है 7 रन ना, जितने के लिए मतलब सबसे ज्यादा 6 रन बनाया अभी एक ओवर में। Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you. तो गाइस अब डिनर का टाइम हो गया है, करते हैं डिनर, उसके बाद थोड़ा आज चलेंगे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हुए हैं, बहुत ही मस्त एकदम। ये देखिए, ये मस्त, किस फ्लोर पे जा रहे हैं ब्रो? फोर्थ ब्रो, दिस लिफ्ट इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू हॉस्टल। तो गाइज यहाँ पे PhD वाले अभी भी मतलब मैंने देखा लैब खुले हुए हैं उधर, और कुछ लैब वहाँ पे PhD वाले अपना वर्क कर रहे हैं। गाइज अभी बज रहा है 9:00, 9:10-11 तक अपना रिसर्च वर्क करते रहते हैं। गाइज ये है मेटलर्जी डिपार्टमेंट, और देखिए कुछ ऐसा ना जा रहा है ऊपर से, फोर्थ फ्लोर से। हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे पहले, अब तो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं खेलने। लोग उस साइड के लिफ्ट से आए थे, अब इस साइड के लिफ्ट से जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। कमरो व्हाट हैपेंड, 0 फ्लोर और -1 ब्रो, -1 मींस बेसमेंट, या बेसमेंट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो आज चलते हैं, हमारे अमोल भाई आज आ चुके हैं घर से, चलते हैं अमोल भाई से मिल के आते हैं 7th फ्लोर पे। हाय अमोल भाई। तो गाइज ये व्लॉग थोड़ा छोटा बना है, जितना भी बना था मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।